भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और तब से हर साल भारत में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। राष्ट्रगान के अलावा राष्ट्रगीत भी कई मौक़ों पर गाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और संविधान सभा ने जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। बता दें कि राष्ट्रगान को पहली बार साल 1911 में कोलकाता में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में गाया गया था। राष्ट्रगान देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और उसके लोगों के बारे में बताता है। राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रगान को गाने और बजाने को लेकर कई नियम कानून है और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो जेल और जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत की। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम बंगाली भाषा के उपन्यास आनंद भट्ट में लिखी कविता थी। वंदे मातरम स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था और लोगों को आपस में बांधे रखता था। इसे भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर का ही दर्जा प्राप्त है। 1896 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत गाया गया। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। दोस्तों, वंदे मातरम को गाने, सुनने और बजाने के कोई नियम नहीं है। इसे आप कहीं भी कैसे भी गा सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर करें जिससे ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। इसी तरह की जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।